अच्छा सुनो सुनो, हमें ना इस बिजनेस के लिए बहुत सारे लोग चाहिए, स्टाफ चाहिए। जस्ट डोंट वरी, मेरे पास बहुत ही स्किल्ड, एजुकेटेड, एलीट एंड अ प्रोफेशनल स्टाफ है। डोंट वरी। विभू, तुम्हें बिजनेस तो पता है ना, अब क्लाइंट्स मुझे फोन करके ऑर्डर देंगे कि उन्हें फलाने रेस्टोरेंट से ये नाश्ता चाहिए और ये खाना चाहिए, और फिर मैं वो सारी डिटेल्स ना अनु को फॉरवर्ड करूंगी। क्यों अनुराग? फिर वो सारी डिटेल्स मैं तुम्हें दूंगी और तुम अपने स्टाफ से वो खाना रेस्टोरेंट से पैक करा के वो ऑर्डर ग्राहक को डिलीवर करोगी। Come on, Anu baby, I'm not so naive यार, मुझे पता है क्या करना होता है डिलीवरी में यार। What are you talking? सुनो 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 सुनो, मुझे ना एक बहुत ब्रिलियंट मार्केटिंग आइडिया आया है। हम क्या करेंगे ना, हम पहले से ही डिलीवरी टाइम बता देंगे ग्राहक को। 28 minutes इज द डिलीवरी टाइम। 28 minutes? हाँ, मतलब ये कि अगर हम 28 मिनट में ग्राहक को ऑर्डर डिलीवर नहीं कर पाए तो ऑर्डर के बिल के पैसे हम भरेंगे। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। और टिल्लू, क्या हाल चाल है रो यार? बढ़िया यार, बढ़िया। यार लो, थोड़ी कड़की चल रही है यार, कुछ उधार उधार दे देते तो। अजालिम यार, हम तेरे ना सारे पैसे लौटा देंगे एकदम। अबे कहाँ से लौटाओगे हैं? तुम दोनों की क्या मेले चल रही हैं? यार मेले कारखाने ना चल रहे, कैसे ना कैसे जुगाड़ पानी करके दे देंगे तेरे को। कहा भाई, थोपड़ा देगा तुम दोनों ने शीशे में, जुगाड़ करके दे देंगे। हैं, किसी की जेब काटोगे या फिर चोरी करोगे, जुगाड़ करेंगे जुगाड़। टिल्लो यार, तू कछु ज्यादा नहीं बोल रहा है? टिल्लू सुन, तू अगर पैसों ना देना हो ना तो मत दे, लेकिन दोस्तों की बेइज्जती तो मत कर यार। अबे बेइज्जती उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत हो, तुम तो मॉडर्न कॉलोनी के सबसे घटिया लोग हो सालो। भिखारियों के मुंह ना लगते हैं। अबे भिखारियों के तुम दोनों, मेरी जेब में पैसा आई समझ में? अरे तमीज का माइंड और लैंग्वेज समझो ना। अबे लौंडो, झगड़ा करना बंद करो और जिंदगी में कुछ काम करो। डू समथिंग फॉर गॉड सेक्स। भैया ये नसीहत है ना, पहले आप अपने ऊपर यूज करके देखो। हम सीधा काम की जरूरत आपको है, पिछले जन्म से खाली बैठे हो आप। बच्चों मैंने एक काम शुरू किया है और चाहता हूँ कि तुम भी मुझे उस काम में ज्वाइन करो। मेरी भैया सुन ली, मोटी कर मोटी कर मोटी कर बे। देखो देखो, मेरे पास तुम लोगों के लिए एक जॉब है। अबे कहाँ लगा रहा है बे? सीधे मालिक। देखो मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है, डिलीवरी बॉय का जॉब। 10,000 रुपीज सैलरी, 10,000 पर मंथ। ब्रेकफास्ट लंच डिनर फ्री, ओवर टाइम एक्स्ट्रा। बोलो। अरे भैया क्या बोलूं मैं, भैया आज से अभी से इसी पकड़ से ना हमने आपकी नौकरी ज्वाइन कर ली है। गुड गुड। भाभी जी घर पर हैं? हेलो। हाँ 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 बोल। ऑर्डर नंबर 28। हाँ हाँ, 28 मिनट के अंदर अंदर पहुँचवाऊंगी, तू टेंशन ना ले। तू बहुत टेंशन लेती है। चल ओके बाय। और भाभी जी क्या चल रहा है? हाँ विभू, पेन पेपर है? यार तुम्हारे पास पेन पेपर क्यों नहीं होता है? दो अफीम कोठी के ऑर्डर्स हैं, दो रेस्टोरेंट से उठाना है और अफीम कोठी में करना है डिलीवर। मैं मैसेज कर रही हूँ तुम्हें। हाँ ध्यान से देख लेना, कन्फ्यूज मत करना। काफी व्यस्त चल रही हैं आप भाभी जी हैं। अरे मीनल, हाँ यार थोड़ा तो सब्र कर, मैं विभू को ऑर्डर ही दे रही थी। हाँ तू टेंशन बहुत लेती है। अरे उसी से बात कर रही थी इसलिए कॉल वेटिंग पे था। बोल बोल। हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ यार ऑर्डर्स आ रहे हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं। चल ओके। गोरी में हम घर पे हैं का? अरे दादा हेलो। हाँ मीनल, एक और ऑर्डर है? अच्छा हाँ हाँ चल बोल बोल। तुम्हारे सारे अपने घर में मन नहीं लगत का? इतने क्या कर रहे? गुइयां छील रहे हैं। और आप यहाँ क्या करने आ गए हैं? ड्यूटी कर रहे। गुइयां की ड्यूटी कर रहे हैं? भाभी जी के घर में ड्यूटी कर रहे हैं? बल्कि भाभी जी को डिस्टर्ब करने आ गए आप? ड्यूटी कर रहे हैं? फालतू की बातें ना करो, हम उनको कभी डिस्टर्ब नहीं करते। तुम डिस्टर्ब करते। हम डिस्टर्ब कर रहे हैं? हम आओ
हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं भैया, हम पड़ोसी धर्म निभा रहे हैं। बात है ना भनो, हमसे कब डिस्टर्ब नहीं होती भी, हमसे उनको मन लगत, तुम सारे डिस्टर्ब कर, छोड़िए पूछ लो उनसे। ओफ क्या कर रहे हम, का ये कह रहे डिस्टर्ब कर रहे, एक मिनट क्यों डिस्टर्ब कर रहे मुझे, दोनों डिस्टर्ब कर रहे आप मुझे। हमने याद में डिस्टर्ब कर रहा है आपको, हम कहां डिस्टर्ब कर रहे। नहीं आप बताओ, आप खुद बता दो आज जाको को डिस्टर्ब कर रहे हो, नाम बताओ सुन लो। हम आप दोनों मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप देख नहीं रहे हैं कि मैं कितनी बिजी हूँ। अरे कॉमन सेंस नाम की भी तो कोई चीज होती है कि सामने वाला आदमी काम कर रहा है, भाभी जी घर पे हैं, हेलो भाभी जी, गोरी मैम घर पे हैं, मैं अवॉइड कर रही हूँ, देख रहे हैं आप फिर भी बोले जा रहे हैं। मतलब आप हमें जी मैं अवॉइड कर रही हूँ आपको। सुन ली छो तो दरवाजे खोलो निकलो, चलो ना अब हो सुन ली, और लगे हाथ आप भी निकल जाइए। सुन ली नहीं गोरी मैम, हम तो अबे अबे आए ना तो हम भी निकले। आप में क्या कुछ सुर्ख आपके पर लगे हुए। हाँ क्या आए तुम लोग? जी भैया। गुड, नाक के बाल दिखाओ, आंखों दिखाओ, कान के बाल दिखाओ। भैया ये जो ये सब जरूरी है क्या? अबे तुम लोग गंदे नाले में रहने वाले लोग घरों में जाओगे इन्फेक्शन फैलाओगे। अप टू द पॉइंट, हमारी कंपनी ने कहा है कि हमें डिलीवरी करनी है 28 मिनट के अंदर, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि हमें डिलीवरी करनी है 25 मिनट के अंदर। इज दैट क्लियर? आई एम टॉकिंग सेंस? हाँ ओके भैया, गुड। भैया मैं क्या बोल रहा हूँ कि भैया मतलब अगर कोई भी ऑर्डर मुंबई से आता है तो अगर हम फ्लाइट से भी जाते हैं तो 25 मिनट में पहुंचना इम्पॉसिबल है भैया, डिलीवरी नहीं कर सकते। बेटा अपनी अकल मत इस्तेमाल कर, जो कह रहा हूं वो कर। राइट भैया? बॉयज रेडी? रेडी भाभी जी, रेडी। बिंदु डिलीवरी। ठीक है भाभी जी, वो कहा है कि हमने आपकी कंपनी के लिए ना ये जंगल तैयार करो है। अबे वो जे के बाद आई लगा यूनत लगा। हाँ जिंगल तैयार करो भाभी जी। बिंदु डिलीवरी। ठीक है ठीक है ठीक है, पहले बात सुनो, ये ऑर्डर्स की लिस्ट है ठीक है, यहाँ लिखा है ऑर्डर, ऑर्डर नंबर, ये ऑर्डर जिस रेस्टोरेंट से पिक करना है उसका एड्रेस, और जिस ग्राहक को डिलीवर करना है उसका एड्रेस, ठीक है समझ गए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि तुम्हें 28 मिनट के अंदर अंदर ये डिलीवरी देनी है, ठीक है। भाभी जी चिंता मत ना करो, मैं तो 28 मिनट से पहले पहुँचा दूंगा, लेकिन जा करोगेगा ना पता मुझे। सर बड़ो सुपर फुर्तीलो बन रहे, चले। वेरी ब्राइट एंड पॉजिटिव बॉयज। बिंदु डिलीवरी। गाइस मूव इट मूव इट, कम ऑन कम ऑन, मूव 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 मूव। हे भगवान, अब मेरा बिजनेस तेरे ही हाथों में। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। देखो बिबू, अगर ना ये बिजनेस चल गया तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। चल गया मतलब क्या? चलेगा, जरूर चलेगा। तुम देखो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ इस बिजनेस के लिए। I'm working hard for it. तुम ना प्लीज कोई गड़बड़ मत करना इस बार। What are you trying to say? गड़बड़ मैं करता हूँ? मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ यार, दिल लगा के काम कर रहा हूँ यार। Don't blame me for nothing, okay? Okay. हेलो भाभी जी, हेलो अनीता जी, हेलो अंगूरी जी, हेलो भाभी जी। अभी जी बड़े मुबारक और बड़े मुकद्दस वक्त पर आई हैं आप, हमने अभी अपनी जिंदगी का आगाज किया। अकंगली अरेस्ट हो गया। भाभी जी कह रही कांग्रेट्स। ओ सही पकड़े हैं। अब बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। दिया, हम काहे आए थे? हम ना आपको नाश्ते का दिल्ली बिल्ली का ऑर्डर देने आए हैं। अभी वो डिलीवरी होता है। सही पकड़े हैं। हाँ तो टेम पर ले आइएगा। हाँ और कहा है कि टेम पर ना ही खाते है ना तो उनको बहुत गैस हो जाता है। हाँ तो आप ले आइए दो आलू के पराठे और दो गोभी के पराठे। थैंक यू अंगूरी जी, वैसे आप तो खुद ही इतना अच्छा खाना बनाती है, लेकिन हमारे प्रोत्साहन के लिए आपने हमें अपना ऑर्डर दिया। अरे यार ये डिलीवरी सर्विस ने तो हमारी बैंड बजा के रखी हुई है। हमारी खुद बजा दी है, आपकी कैसे बजा दी? वो सब छोड़ो यार, तुम जो बताओ कि तुम्हारे पास कछु ऐसो आइडिया है का, ऐसो कमाल को आइडिया जिससे सारो इनको जो धंधा चौपट हो जाए। अपना दिमाग चलाओ सेठ जी।
एक आइडिया है, तनिक यहाँ आओ। सही में? और इसके लिए अगर किसी लड़की की जरूरत पड़ी तो उसे भी बुला लिया जाएगा। हैं? इस बात पे सेठ जी चाय मेरी तरफ से होगी। चल पिला बेटे। चाय पिला। क्या पता है तुझको बानासुर, मैंने कैलाश उठाया है, सर देकर शिव को कर प्रसन्न, वरदान वीर का पाया है। वो सब छोड़ो पगली, का है कि हमने ना बहुत दिनों से रोमांस नहीं किए हैं, तुमको प्यार करने का बहुत मन कर रहा है हमारा पगली। क्या बात करते हैं, अब बहुत दिन कहाँ हुए हैं, कल रात ही को तो आप रोमांस किए रहे। फिर भी हमारा मन भरा नहीं पगली, का करें हाँ। और नहीं नहीं हमारा मूड नहीं है पगले। पगली अलेटू के भैया तनिक आग बंद करो। चलो तिवारी जी, आपने डिनर में कच्ची प्याज खाई थी? आपको कैसे पता? अभी जी आप भी जाना चाहेंगे कि आपने डिनर में क्या खाया था? हाँ हाँ बताइए। आइए। क्या आइए आइए, क्या बदतमीजी आइए, आप हमारे बेडरूम में घुस कर ये क्या कर रहे हैं इस समय? बिंदु डिलीवरी सर्विस, वी डिलीवर एनीथिंग एनीवे एनी टाइम 24/7 डे और नाइट, वी आर द बेस्ट इन बिजनेस। तो यहाँ क्या घुइया डिलीवर करने आए हैं? धनिया डिलीवर करने आए हैं। हमने तो कोई धनिया वनिया का ऑर्डर नहीं दिया भाई। देखिए ऑर्डर बुक पे आपका एड्रेस लिखा हुआ था, इसलिए लेके आया हूँ यहाँ पे। तो एड्रेस पर क्या ये लिखा था कि खिड़की के रास्ते आना और बेडरूम में घुस जाना, ये लिखा था? खिड़की से आना मेरी मजबूरी थी तिवारी जी। का मजबूरी था आपका? एक्चुअली क्या भाभी जी, हमारी जो कंपनी है ना वो दावा करती है कि 28 मिनट में हम आपका सामान कहीं से कहीं डिलीवर करने को तैयार है। यस, और अगर नहीं कर पाए तो आपका जो पैसा है उस सामान का हम भरेंगे, आप नहीं भरेंगे। इसलिए मेरी मजबूरी थी कि मुझे खिड़की से आना पड़ा। अच्छा ठीक है ठीक है, वो जो भी था ठीक है, लेकिन ऑर्डर किसने दिया? हमने, तुमने दिया पगली? नहीं हम तो नहीं दिए। लेकिन तिवारी जी हाउ कैन आई हेल्प इट, ऑर्डर बुक पे आपका नाम लिखा था, आपका एड्रेस लिखा था, ये देखिए। हम कहा बोल रहे क्योंकि भैया अब ले आए हैं तो रख लेते हैं। हाँ अब वैसे भी धनिया बहुत काम का चीज है। भाभी जी धनिया से याद आया, धनिया के पकौड़े बड़े कमाल बनाती भाभी जी, तो कल सवेरे आऊंगा पकौड़े खाने धनिया के। ठीक बा, आपके लिए ना टमाटर का चटनी भी बना लेंगे। हो गया ना, हो गया काम ना। ये पकड़िए अपने पैसे, चलिए दफा हो जाए, जिस रास्ते से उसी रास्ते निकलिए, चलिए। बिंदु डिलीवरी सर्विस का वादा है कि आप कहीं भी होंगे हम आपका पैकेट आपको डिलीवर करेंगे। आप लिविंग रूम में होंगे, बेडरूम में होंगे, खेत में होंगे, खलियान में होंगे, आप टॉयलेट में होंगे, हम तोड़ दरवाजा घुस जाएंगे अंदर और आप किसी भी अवस्था में होंगे, हम आपको आपका पैकेट आपके हवाले करेंगे। ये हमारा आपसे वादा है। क्या बात है, आपका ये सर्किट तो बहुत ही अच्छा है, बहुत तेज है। सर्किट तो इनका उड़ गया भाभी जी, अब सर्विस कहना चाह रही है। सही पकड़े हैं। चलिए चलिए जाइए। ओके ऑलराइट, चलिए हाय भाभी जी, अभी जी पकौड़े याद हो गए। ऑलराइट आज सुबह आ जाइएगा। या भाभी जी बाय बाय। तिवारी जी सो जाइए आप। अरे जाइए यार, मतलब परेशान हो गए। गुड नाइटी, बाय भाभी जी। तिवारी जी ज्ञान रख। अरे दिक्की भैया आंखें बंद करें का हार्ट। हमरा मुन्ना हमरा लल्ला। ये तो पीछे से भाभी जी लग रही है। अरे ये तो भाभी जी हैं। इनके गोद में बच्चा किसका है?
सोचा था क्या क्या, देखा है क्या क्या, ऐसी न कोई सजा। हाय दिया, हमरे मुन्ना को, हमरे बिटुआ को किसी का नजर ना लगे। तब ऐसा तो कोई माई बोलती है अपने बच्चे के लिए? मतलब अभिषेक बच्चे की माँ है? God, this is so unfair. लेकिन भाभी जी यहाँ कर क्या रही हैं? What is she doing here? पता लगाना पड़ेगा ये बच्चा किसका है, क्योंकि तिवारी जी के बस की तो बात है नहीं। भाभी जी, कहाँ झांक रहे हैं? भाभी जी, आपने मुझे पहचाना नहीं? आपका आशिक मतलब आपका पड़ोसी भरभूति जी। भाभी जी कौन है तुम? हम तुमको ना ही जानते हैं। खाना लेकर आए हैं? हाँ तो चुपचाप रखिए और जाइए यहाँ से। हाँ भाभी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं भाभी जी? और आप यहाँ क्या कर रही हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं काका? मतलब है ये हमारा घर है और यहाँ हम अपने पति और अपने बच्चे के साथ रहते हैं। बच्चे के साथ? क्या बात कर रही हैं भाभी जी? कौन सा पति, कौन सा बच्चा? तिवारी जी आपके पति हैं भाभी जी। मैं हूं इसका पति। मम्मी, तू जो भी है तेरा काम खत्म हो गया, अब तू निकल ले। अगर यहां पर कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो तेरे गुर्दे फोड़ दूंगा। चल पार्सल दे जल्दी। पगली, दरवाजा बंद करो और अंदर आ जाओ। हाँ हाँ ठीक बा, बाय बाय। चलो हमरे मुन्ना। हाँ जी सर। हाँ सर, आपका ऑर्डर तो कब का निकल गया? ये बिंदु डिलीवरी सर्विसेज हैं, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 28 मिनट के अंदर अंदर आपको डिलीवरी मिलेगी। क्या आपको 40 मिनट बाद डिलीवरी मिली है? ओके, एंड नो प्रॉब्लम, आपने मेरे बॉयज को पैसे तो नहीं दिए ना? नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा किया, वेरी नाइस। आपको पैसे देने की जरूरत ही नहीं है, पैसे हम देंगे अपने जेब से। ओके ओके सर, ओके। वो बिना ऐसे गधे डिलीवरी बॉयज लेकर आया है, मेरा तो बिजनेस ही चौपट हो जाएगा। बिंदु डिलीवरी, दांत बंद करो पहले। तुम लोगों ने डिलीवरी टाइम पे नहीं पहुंचाई। अरे भाभी जी, वो कहा कि मेरे जो साइकिल है ना पंचर रह गई थी, इसलिए थोड़ा लेट है वो, फिर भी मेरा कंसाइनमेंट जो है ना टाइम पे डिलीवर कर दो। और भाभी जी, मोक तो अप्पू सिंह ने पकड़ लियो। हाँ, पता ना कौन से जन्म की दुश्मनी निकाली और मेरा चलान भी काट दो। लेकिन भाभी जी, मैंने डिलीवरी ना फिर भी पहुंचा दी। फिर भी डिलीवरी पहुंचा दी? अरे गधों, वो डिलीवरी का पैसा मुझे देना पड़ेगा, पूरे 4,500 रुपए अपनी जेब से। हैं? सच्ची? सॉरी भाभी जी। भाभी जी, मोक की तरफ से सॉरी आ गई, आगे से ना ऐसा कभी नहीं होगा। आगे से ना मैं सॉरी नहीं सुनूंगी, समझे तुम? बहाना नहीं चलेगा, पूरे 28 मिनट के अंदर अंदर डिलीवरी पहुंचनी चाहिए। अब खड़े क्या हो, जाओ डिलीवरी लो और जाओ एड्रेस पे। ये लो, भागो। जो आप कह रही है ना कि आप कहीं जाती नहीं बाहर, ये बात आप झूठ बोल रही हैं। हाय दिया, आप कब देखे हमको बाहर जाते हुए? मैंने अपनी आंखों से देखा है आपको झकरकटी में, अपनी आंखों से। हाय दिया, हम कहां जाएंगे झकरकटियां? ये तो मैं पूछ रहा हूँ आपको, झकरकटी क्यों जाएंगे आप? क्यों, क्या रिश्ता है आपका झकरकटी से? देखिए भरभूति जी, हमारा झकरकटी से कोनो रेलवे स्टेशन ना ही है। अब जो रिलेशंस होता है। सही पकड़े हैं, हमारा झकरकटी से कोनो रिश्ता ना ही है। हाँ तो क्या कोई आपकी जुड़वा बहन भी है? ना ही, हमारी कोनो जुड़वा बहन भी ना
आपके डैडी यानी कि अंकल जी का क्या झगड़गटी में जाना आना था? क्या लौंडे, क्या कर रहा है तू? मेरे पेट के पीछे मेरे बारे में भद्दी भद्दी बातें सुना रहा है मेरी बेटी को? मैं क्या कर रहा है? तूने मुझे इतने इतने घटिया इतने गंदे चरित्र का समझ के रखा है? समझ के रखा है? अंकल माफी चाहूंगा, कई बार आपने शराब पी के अपने कच्चे खोले हैं, मतलब कच्चे चिट्ठे खोले हैं मेरे सामने। हाँ तो सो व्हाट, शेखी बघारी खोल दिए, क्या उखाड़ लेगा मेरा तू? उखाड़ तो मैं कुछ भी नहीं लूंगा, बस उन सब की रिकॉर्डिंग है मेरे पास। नहीं, अभी नहीं, बिटिया खड़ी है सामने। अरे मैं पूछती हूँ, क्या पढ़े लिखे मेहनती लड़कों की कमी थी शहर में जो मेरे मत्थे मर्दी ऐसे आवारा लड़के? यार लौंडे आवारा जरूर है लेकिन बड़े मेहनती है, बड़े पॉजिटिव है यार। अरे खाक मेहनती है तुम्हारे लड़के, पता है उन लड़कों की वजह से कितना नुकसान हो रहा है हमारे बिजनेस को? अनु तुम भी हथेली में सरसों जमाती हो यार, किसी बिजनेस को खड़े होने में वक्त लगता है यार, कम से कम 5 साल और फाइन ट्यूनिंग में कम से 2-3 साल लगते हैं यार। We all have breathing problems, you know? 2-3 साल? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अरे 2-3 साल में हमारा दिवालिया ही पिट जाएगा। अरे यार स्टाफ को समझाने में, उनको फाइन ट्यूनिंग करने में वक्त लगता है यार, कम से कम 2-3 साल लग जाएंगे। अरे बाबा ऐसा स्टाफ रखने की क्या जरूरत है जिनको 2-3 साल लग जाए सेट होने में? ऐसे लड़के लाओ ना जो 2-3 दिन में सेट हो जाए। देखो ऐसा है, बेबी जैसे आसानी से सेट की हुई लड़की आसानी से भाग जाती है, वैसे आसानी से रखे हुए मुलाजिम भी आसानी से भाग जाते हैं। ये कौन सा लॉजिक था भाई, ये कौन सा लॉजिक यहाँ फिट कर दिया आपने? मेरा पर्सनल लॉजिक है, और जल्दी सेट की हुई लड़की जल्दी भाग जाती है, अपने आप को देख लो। हेलो, मैं कोई जल्दी सेट नहीं हुई थी, भूल गए कैसे 2-3 साल तुम दुम हिलाते हुए मेरे पीछे पीछे भागते थे? नाक रगड़ी थी तुमने 2-3 साल मेरे सामने, तब मैं सेट हुई थी। तभी तो कह रहा हूँ बेबी तुम टिकी हुई अभी तक, बिकॉज तुम्हें टाइम लगा था सेट होने में। यार विपुल मैं बात कर रही हूँ खेत की, तुम पहुंच गए खलियान। बात क्या हो रही है, कहाँ ले गए बात को, मुद्दे की बात करो ना। 100 बातों की एक बात, तुम इन लड़कों को ठीक कर लो वरना मैं नहीं झेल सकती इन लोगों को। बेबी तुम रिलैक्स करो यार, मैं समझा दूंगा लौंडों को, दे आर पॉजिटिव बॉयज, डोंट वरी। तो तुम वरी कर लो ना, तुम कर लो टेंशन। देखो विपुल जब तक हम टेंशन नहीं लेंगे ना तब तक बिजनेस सेट नहीं होगा हमारा। तुम देखो रिलैक्स, टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। सुनो आज तेरा मूड है रोमांस करने का? सुनो ये जरा अपने ये फटचर कपड़े चेंज करके कुछ अच्छी से नाइटी पहन लेना और एक फ्रूटी सा एक परफ्यूम लगा लेना, एंड आई वांट यू टू लुक हॉट। डिलीवरी करके आता हूँ। डिलीवरी करने कहाँ जा रहे हो, अभी कौन सी डिलीवरी होगी तुम्हारी? मीनल ने तो मुझे किसी डिलीवरी के बारे में नहीं बताया। मेरी एक पर्सनल डिलीवरी है। पर्सनल डिलीवरी के नाम पे किसी और की डिलीवरी तो नहीं हो रही है? ओह गॉड, तुम औरतों का ना एक सिंगल ट्रैक माइंड होता है भाई गॉड, बस सब शक करती रहो, शक करती रहो, शक करती रहो, बस तुम मेरा मैंने जीना आराम करते शक कर करके यार, शक 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 शक। सुनो ना, मैं ना आज फ्रूटी परफ्यूम लगाऊंगी, तुम्हारा फेवरेट। ठीक है, तुम प्यार है ना, मैं भी गया और अभी आया। Baby, I love you. Waiting. जल्दी आना। हिले पटना हिले छपरा हिले ला, ओ हमरी लचकी जब कमरिया सरा, जिला हिले ला। आए पकड़ लिया, पकड़ लिया। का करे ले डुकी भैया, का करे हा? पिछले 2 दिनों से पगली तुम्हारी पकड़ में नहीं आ रही थी, आज आई है पकड़ में तो छोड़ेंगे नहीं। अजी अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी। बेवकूफ बना दिया हमारा, हाँ? उल्टा बना दिए आपको। तुम्हारी इसी पदा पर तो हमको बहुत प्यार आता है बगली। आंख बंद करो करो। अल्लू की भैया का करे का
तेरी। आपने मूली के पराठे खाए थे? आपको कैसे पता? बस ऐसे भाभी जी। बहुत अच्छे, आप हमको बताइए कि हम क्या खाए हैं। ठीक है भाभी जी, ओके। अरे बैठ, क्या ओके ओके? ये जब देखो तब यार बेडरूम में घुस जाते, मना किया था ना, फिर भी बदतमीजी से बाज नहीं आ रहे हैं आप। एक्सक्यूज मी, टाइम पास करने नहीं आया हूं, डिलीवरी लेके आऊं। डिलीवरी? हां जी। डिलीवरी जी? ये क्या क्या तुमने दिया था क्या ऑर्डर? नहीं, हम तो कछु नहीं ऑर्डर दिए। लेकिन भाभी जी, डिलीवरी बुक में आपके घर का एड्रेस लिखा हुआ है। सिंपल एज दैट। हां लेकिन कहां है इसमें? भाभी जी पुदीना है। हाँ, पुदीना। पुदीना और कच्चे आम की चटनी, वो भी आपके हाथ की भाभी जी, तूफान मेल है। हाँ, और उसके साथ खिचड़ियाँ। वाह, ऑसम। अरे झड़िए, ऑसम उसम, जाए जाके भाभी जी को दे दीजिए, नहीं चाहिए हमको ये। भाई ऑर्डर आपका है, मैंने वो क्यों दूँ? नो, ऑर्डर आपको लेना पड़ेगा ये। हाँ लड्डू के भैया, काय बहस करते हैं, अबू ले आए हैं तो रख लेते हैं ना, कल आपको अच्छा पुदीने का चटनी, खिचड़ी और पापड़ खिलाएंगे। हाँ भाभी जी, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे आप, मैं, चटनी, खिचड़ी और पापड़। जाएंगे या दे झापड़? जाएंगे। हाँ ये तो दे जाइए, और पैसे दीजिए ना उनको। रोज रोज का टंटा है। ये लीजिए 100 रुपए, और चलिए दफा हो जाइए, जहाँ से आए वहीं से जाइए। चलिए सुनिए, ये रिक्वेस्ट नहीं मेरी, ये मेरा ऑर्डर है, मेरी वार्निंग है आपको कि आप भाभी जी को परेशान नहीं करेंगे। अरे यार हमारी बीवी है, चले जाइए फिर भी। अरे दबाओ ये, चलिए बाय बाय। कितना अच्छा खुशबू आ रहा है पुदीने का। पुदीना छोड़ो बगली, तनिक आंख बंद करो। मैं अभी गया नहीं हूं तिवारी जी। यहाँ तो भाभी जी हैं, ये कंफर्म हो गया। अब वहां भाभी जी हैं कि नहीं ये कंफर्म करना है। ठीक है मलखान जी। भाभी जी बिंदु डिलीवरी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ये देखो, ये तुम्हारा ऑर्डर है। हाँ, ये ऑर्डर लिखा है, ये ऑर्डर जिस रेस्टोरेंट से उठाना है उसका एड्रेस लिखा है, और ये ऑर्डर जिस कस्टमर को पहुंचाना है उसका एड्रेस लिखा है। ठीक है। क्या कर रहे हैं आप? कैसे कैसे लोग आ जाते हैं सुबह सुबह। हाँ देखो, ध्यान रखना, 28 मिनट के अंदर अंदर ये डिलीवरी मिलनी चाहिए। और इस बार लेट हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं भाभी जी, इस बार बिल्कुल लेट ना होगी, टाइम पर पहुंच जाएंगे हम। भाभी जी मैं तो 5 मिनट पहले पहुंचा दूंगा, चाहे धरती ना और दुनिया इधर से उधर रह जाए। अब बोल के नहीं करके भी दिखाओ। हाँ, ये लो। बिंदु डिलीवरी। जल्दी चल, जल्दी चल। ए भगवान, मेरा बिजनेस आप ही के हाथों में। क्या कर रहे, क्या कर रहे आप? सुबह सुबह कहाँ कहाँ से आ जाते हैं? गॉड, माय गॉड। भाभी जी, ये लौंडे टाइम पे ना पहुंच पाएंगे। हप्पू सिंह जी, हाँ ठीक है, ओके। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।